उमर का तजुर्बा। एक वृद्ध ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से वे कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आ गए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा इतने लोग हैं, चंदा इकट्ठा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 रुपये की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें से 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बूढ़े ने खींची है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा बच्चों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची। तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से गुस्सा होकर बोला शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा साहब मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी। बूढ़े ने कहा साहब मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिनमें से 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा वृद्ध ने कहा था नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपये वृद्ध को वापस कर दिए गए। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर कर देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आप भी ये बात याद रखना कि बुज़ुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव किया है, उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाएं।